एम्पावरमेंट की बात करती है और जो नहीं है वो नहीं है उसकी बात करती है, और नाउ अभी पास्ट है तो अगेन वो एम्पावरमेंट की बात करती है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पास्ट नाउ. आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म, डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट. मैं तो हर फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूँ, मैं उसको ऑफबीट या कमर्शियल या बैलेंस सिनेमा नहीं देखता हूँ. आप अपनी एक्टिंग की मेहनत तो कम नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स फिजिकली आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज तो इट्स ऑल द सेम है. देखिए हमारा काम है सिर्फ फिल्म बनाना, बाकी लॉ कैसे चेंज होगा, बाकी स्ट्रिक्टनेस कैसे आएगी चीज़ों में, उसके लिए तो हमें एज एन ऑडियंस, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें जागरूक होना पड़ेगा. बाकी हमारा काम है फिल्म बनाना, लोगों को सच्चाई दिखाना और एंटरटेन करना. प्लस लास्टली ये पूछना चाहूंगा, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, जैसे भी वो लीक हुआ. और फिल्म अपने आप में उस सीन से आई एम श्योर बहुत बड़ी है. फिल्म बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीन के बारे में नहीं. और हम थोड़ा सा हुपला भी बना देते हैं जहाँ पे सेक्स आ जाता है, कुछ नेकेड सीन आ जाता है, किसिंग आ जाती है, तो हम लोग थोड़ा है, हम थोड़ा उसको ज़्यादा उछाल देते हैं. बट आई एम श्योर वो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. व्हाट इज कीपिंग यू बिजी दिस डेज? आई हैव फिनिश्ड कपल ऑफ थिंग, फिनिश्ड विक्रम मोटवानी सर्स फिल्म, देन देयर इज समथिंग विद हंसल सर व्हिच इज कॉल्ड ओमेर्टा, दैट वी आर ऑलमोस्ट डन विद. देन देयर इज न्यूटन व्हिच इज अ ब्लैक कॉमेडी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बरेली की बर्फी, नाउ विल बी स्टार्टिंग अवर शूट रियली सून. Then there's this Hollywood film called Five Weddings with Nargis.